हे एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल। आर बोले तो हमारा और आपका। सो मैं यहाँ देख सकते हो आप झाड़ू से स्टार्ट किया क्योंकि बंगाली न्यू ईयर है एंड ये हमारा पौधा है। इसको थोड़ा अच्छे से सेटल करेंगे। धोने के लिए ऊपर चले गए छत पे। इसको मैंने बोला था कि छत पे मत जाओ, नीचे ही धोते हैं, बट इसको ज़्यादा चुल लगी रहती है और ये इतना हैवी हो गया था, फिर नीचे ला के हम लोगों को धोना पड़ा। सो धोने के बाद आप देख सकते हो कितना फ्रेश लग रहा है। यहाँ पे हमको थोड़ा चेंजेस करने थे तो हम एक स्टैंड लेके आएंगे, वो आप देखोगे आगे। तो ये है शूरेक जो पहले बाहर था फिर अंदर था, अब फिर बाहर लेके जा रहा हूँ मैं। धक्के दे के बाहर लेके जा रहा है ये इंसान। ये इसने बहुत काम कर रखा है, भगवान मेरा बेबी। जूते का देखो, इतना जूता है ना इसके पास। तुम्हारे पास भी तो है, रखने का जगह ही नहीं है। एक के ऊपर मतलब तीन जूता का स्ट्रैक बना लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये लाया, फिर इसको थोड़ा पोछाई स्टार्ट हो गई। पोछने के बाद इसको यहाँ पर रखा जाएगा। हम बात कर रहे थे कहाँ रखे कैसे रखे, फिर इसने बोला कि ये सब पौधा हटा दो। देख सकते हो कितना जल्दी मैंने हटाया और इतना टायर्ड फील कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा। मैंने इससे काम करवा लिया, मैं करती हूँ। फिर आफ्टर डिस्कशन ये कहा सेटल हो। जो आप देख रहे हो ना, मैं इसको जस्ट पर्दे के पीछे रखना चाहता था। लड़की की बात ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिर हम लोगों को दिखा रहे हम Cute थोड़ा moment. प्यार बरसा रहे। उसके बाद फिर से काम पे लग गए क्योंकि आफ्टर ऑल बंगाली न्यू ईयर है, तो सबाई जानो तुम्हारा बंगाली न्यू ईयर में थोड़ा साफ सफाई होता है। तो इसको पता नहीं था, इससे भी कराया मैंने। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सफाई करना। हाँ, ये करता भी रहता है, ये बहुत नीट एंड क्लीन है। अच्छा नहीं लगता पर हाँ, साफ होना चाहिए सब कुछ। तो बहुत अच्छे से उसने जचा दिया। कह रहा था कि भूख लगी है बहुत तेज, कम से कम 5-6 सब्जियां बना के रखी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी अन्वेषा रेडी हो रही है और मैं पंजाबी पहनने वाला हूँ मैं आज, और वो पहन के मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। फिर शायद पूजा करेंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे, वो हम दिखाएंगे। आज होगा पूरा बंगाली स्टाइल में, मिलते हैं। भूख बहुत तेज लगी है, उसने कुछ सिखाया था ना, खुदा पाई सी कुछ ऐसा। तो हमारा खाना रेडी है, मैं अच्छे से खाना परोस रही है मैडम। बहू, ओ बहू, की खान दे हमार खूब खिदलाक छे ना खावास तुम्हार। हो गया। शुभ नमो बोशा सबाई के, बड़ो दिए हमार प्रणाम, छोटे दिए अनेक बालवाशा। सकल के आमादे तरफ थेके शुभ नव वर्ष, छुट्टी और मजा करो। कल आसछे आमादेर ब्लॉग, এখন আমি অনেক কিছু রান্না করেছি ওর জন্য। বেঙ্গলি টাইপ I tried my level best. एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, कट करना चाहूंगा मैं अन्वेषा को, कि इतनी सारी 1, 2, 3, 4, 5 सब्जियां है यहाँ पे, और हमारे घर में क्या होता है, एक सब्जी बनाने के ऊपर लड़ाई हो जाती है। मम्मी बोलती है आज क्या बनाऊं, और इनके घर पे आज कम से कम 14-15 सब्जियां बनने वाली है। जो बंगाली है उनको तो पता ही होगा, उनको पता ही है कि इतनी सारी सब्जियां बनती है इनके घर पे और हमारे में एक पे ही लड़ाई हो जाती है भाई, कसम से। भीषण खीरा पिए थे हमारे, भीषण। देखे ना रेसिपी बोलो इफ यू वांट, तो मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने बनाया। और सबको बताओ कि क्या क्या खाने वाले हैं हम। हाँ, तो ये आम का दाल है, दाल। हाँ, और ये एक करी है, कुछ डिफरेंट वे से मैंने स्टाइल से बनाया। ये फिश है, वो नहीं खाता मैं, खाता 2 पीस फिश। और ये
कटहल मतलब जैकफ्रूट की सब्जी है। हमारे घर भी बनता है पर कोई खाता नहीं इसलिए मम्मी बनाती नहीं। और ये आलू गोभी, आलू गोभी की सब्जी है। सो ज्यादातर मैं इसको ध्यान रखते हुए वेज की सब्जी बनाई। एक सब्जी और थी गाइस जो इसमें मिसिंग है, वो है पेठा। पेठे में भी इन्होंने मतलब मैं सोचा कि आज रोटी और बना लेता हूँ, रोटी पेठे के साथ खा लूंगा, बट मैंने सुना कि फिर इसने छुटकी डाली हुई है इसमें। छुटकी बोले तो ये छोटी छोटी फिश होती है, ड्राई फिश, ड्राई फिश होती है, उससे थोड़ा उसको स्मेल आती है, सो इसको मैंने थोड़ा डिस्कार्ड करके रखा। बस भूख बहुत ज्यादा लग रही है कसम से। सुत्ती खुदा लाचे सुत्ती, हैप्पी बंगाली न्यू ईयर गाइस, प्यू प्यू प्यू। और ये भी बताओ कि हर बार ये पूछती रहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी। मैंने शादी में एक और इसके ऊपर सीन है, मतलब एक स्टोरी है कि जब पहली बार माँ मदर इन लो, अजीब लग रहा है मदर इन लो बोल रहे हैं, सच में माँ जब आई थी ये लेके आई थी। सबसे पहले जब रिश्ता पक्का हुआ था ना तो हमारे घर पे आए थे वो, माँ आई थी और एक दो जन और आए थे। माँ ने ये गिफ्ट दिया था मुझे, पंजाबी बोलते हैं इनकी लैंग्वेज, हमारे में तो कुर्ता बोलते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। तो बताओ कैसा लग रहा है, बंगाली टाइप का है, मैंने उसको पूरा बंगाली लुक दिया है। और ये मत समझना कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ तुम्हें, जो लोगों को पता है कि बंगाली लोग कितना सोना पहनते हैं तो ये तो करना ही पड़ा है। था थोड़ा बंगाली लुक दिया मैंने भी, पफ ब्लाउज जो घोटिया था बोलते हैं वो रखा है। अभी खाएंगे उसके बाद मीठा खाने बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आज मीठा खाना बहुत जरूरी है। ये पूरा ब्लॉग बैठे बैठे 10 मिनट का कैसा लगा ये जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा ब्लॉग कैसा लगा। अगर कुछ भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए ये भी जरूर बताना। भाई एक बात और बताना चाहूंगा मैं इस ब्लॉग में कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, कसम से एक नंबर का खाना बनाती है। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। ने सारी सब्जियां बनाई, दाल मैं नहीं खाता, कटहल मैं नहीं खाता, आलू गोभी मैं नहीं खाता, सब खाएगा यार। फिर इसने ही बोला कि चलो तुम्हारे लिए मैं एग करी बना देती हूँ, तो वो ही एक नॉन वेज बना है जो आज के खाने में बना है। वैसे फिश भी है तो मैं उससे ही खाऊंगा। बाय। तुम्हारा देख के किया था मैंने, ये पकड़ना बहु खाऊंदे हमार खावार दिए रखे थी खुदा पीठे खुदा लाख से खुदा लाख से। कुछ और बताया था ना, पाइसी खुदा पाइसी खिदा पाइसे। एक टेक दोबारा लेते हैं। बहु खाऊं दे अमर खीदा लाच, बहु खाऊं दे अमर खीदा पैसे। टेक टू। बहु खाऊं दे अमर पीठा लाच खीदा लाच। आओ यहाँ से फिर बुलाऊंगा मैं, ठीक है? खाएंगे। और एक मैं एक काम करूँ, एक बार बोले लूँ एक दोबारा शुरू कर देने वाला। शुभ नव वर्ष सबाई के, शुभ नव वर्ष शुभ नव वर्ष सबाई के, सबाई के सबाई के बड़ोदेर আমার প্রণাম, বড়োদের আমার প্রণাম, ছোটদের অনেক ভালোবাসা। বড়োদের আমার প্রণাম, ছোটদের অনেক ভালোবাসা। খুব ভালোবাসা আমি বলতে পারি। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुबह वाले पास सबई के। 2 hours later। शुभ नमो वर्षा सबई के, बड़ो दे अमार प्रणाम, छोटे दे अनेक खूब बालवास। चलो सबई के ये टेक पहले सुनो पूरा ही एक साथ। शुभ नमो वर्षा सबई के, बड़ो दे अमार प्रणाम, छोटे दे अनेक बालवास। शुभ नमो वर्षा सबाई के, शुभ नमो वर्षा सबाई के। मेरी फील नहीं आ रही भाई।
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है।